तो नबाना की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर कैसे अभी फिलहाल एक बार फिर से बल प्रयोग करते हुए, लाठी चार्ज करते हुए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए, आंसू गैस के गोले तोड़ते हुए इन सभी को यहां से हटाने की कोशिश हो रही है। कोलकाता की इस स्थिति की एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। कुंदन मेरे सहयोगी आपको बता दूं कि बिल्कुल नबाना हेडक्वार्टर के नज़दीक मौजूद हैं, जहाँ पर अभी फिलहाल आपको बता दें कि बाहर जिस तरीके से मेन रोड की तरफ ये सभी प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे उन्हें हटा लिया गया, लेकिन अंदर जिस तरीके से गलियों की तरफ इन प्रदर्शनकारियों को पहले खदेड़ दिया गया, वहां से भी अब उन्हें हटाने की कोशिशें कैसे शुरू हो चुकी हैं उसके बारे में मैं उनसे सवाल कर रही थी। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रवि, अब तो एक बार फिर से नजर आ रहा है कि इस बल प्रयोग का भी कोई असर नहीं, अभी भी डटे हुए हैं और वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं, साथ ही आक्रोश इस बात से बढ़ता जा रहा है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों। देखिए, यहाँ पे जितने लोग जुटे हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि इंजर्ड हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे फिर से अपना मांग कर रहे हैं, तो इन लोगों से थोड़ा बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या मांग है आप लोगों का। मेरा मांग बस इतना ही है कि ममता अपना बल त्याग करे, उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी इंसान को ऐसे हाथ किसी के ऊपर हाथ उठाए। और दूसरी बात यह है कि मैं एक खुद MBBS स्टूडेंट हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल टीम से नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मैं बाहर पढ़ाई करती हूँ। मेरा यह है कि हर एक डॉक्टर को उनका सुरक्षित चीज मिले, उनको इतना सेफ्टी मिले कि वो रात को दिन को काम कर सके। ये यहाँ पे और एक लड़की है, उनके हाथ में चोट लगा है, उनको एक बार बात करते हैं उनसे। वाटर कैनन छोड़ा था, स्लिप करके गिर गई और पश्चिमबंगे यदि कोनो सुरक्षा ना पश्चिम बंगाल में अगर कोई सुरक्षा ना दे सकते तो उसको उतरना पड़ेगा जो भी हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी के दल नेत्री से हम बात करने नहीं आए, हम राज्य सरकार की मुख्यमंत्री से बात करना है। कोनो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जात के जार जाना जाए नहीं, जो भी जिसको भी आमी भी आमी कोनो किचु बोली नहीं, आमार दाबी एक टाइ TMC के बोशलो, BJP के बोशलो, के कौन दलेर बोशलो, I don't care उन्हें जो दे सुरक्षा ना दीते पारे पत्र के नेमे आसु। लोग इंजर्ड भी हो रहे हैं, मुख्यमंत्री है जो ओ लड़की लोग और औरत लोग के नाम पे धब्बा है, वही धब्बा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनको वहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे फोर्स भी यहाँ पे खड़ा हुआ है और इनका ये कहना है कि यहाँ पे इनके ऊपर आक्रमण भी हुआ है और फोर्स यहाँ पे चुपचाप अभी खड़ी है। तो फिलहाल जब वाटर कैनन छोड़ा गया था तब ऐसा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे जो छोटा सा ग्रुप है 500 लोगों का वो यहाँ पे खड़े हैं, तो इनके ऊपर वाटर कैनन चलाए गए थे, लोग कुछ गिर गए थे, फिर थोड़ा सा लाठी चार्ज भी हुआ था, उसमें एक दो लोग इंजर्ड भी हुए हैं। अभी फिलहाल जो बैरिकेड है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो जो नीला बोर्ड दिख रहा हो आपको, नीला बोर्ड दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे बैरिकेड थे और वहाँ से करीब मान सकते हैं 400-500 मीटर दूर आप यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे अलीपुर जू कहते हैं उसका जो मोर है वहाँ पे आके खड़े हैं और यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पे ये आरोप लग रहा है कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया था। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि मॉब कंट्रोल करने के लिए ये नेसेसरी था और उन्होंने ये किया है। रवि, संभव हो तो कुछ और स्टूडेंट से यहाँ पर बात करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से यहाँ पर युवतियां जो मौजूद है, छात्र मौजूद है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। गुस्सा इस बात का है कि अचानक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच उन्हें खदेड़ना क्यों शुरू कर दिया गया, क्यों पलटा गया। शांतिपूर्ण से ही जा रहे थे हम लोग, शांतिपूर्ण से ही जा रहे थे ये लोग, हम लोगों का पहले आपका जल कमान मारा, फिर डीआर गैस मारा, फिर लाठी चार्ज कर कितना दूर लेके आ गया। हम लोग का दावी है कि एक रास्ता खोल दीजिए, हम लोग शांति से चले जाएंगे, कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं, बिचारे जो पुलिस दिए अटक कर लाठी चार्ज करते जल कमान छुटे क्यों, हमारा बिचारा जो जाचार पार जो जाचार दिखे ना उपर तो अन्य रिएक्शन दिखे क्यों, निजे तो एक मुख्यमंत्री मेरे सबकी कथा हिंदी जो हम लोग लाइन में जा रहे जस्टिस पर अर्जी कर और वेन टू जस्टिस, बट उसने पुलिस को देखे कुछ रिएक्शन कर दिया जिसका कारण से
हम लोग का ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, जल कमन दे रहा है, क्यों रास्ता चलो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? रास्ते में हैं तो अगर क्या मांग है? हम न्याय चाहते हैं। जिस तरह हमारे लड़की का हुआ है, जिस तरह हमारे लड़की का हुआ है, हम चाहते हैं उस तरह दोबारा किसी के साथ ना हो। इसलिए हमको न्याय चाहिए भैया, बताओ कुछ नहीं। तो न्याय के बाद न्याय अगर चाहिए होगा, क्या न्याय चाहिए? हम लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए, और जो गुनहगार है उसको सजा चाहिए। वो एक औरत हो के, एक औरत के औरत ऐसा हो गया, वो एक औरत हो के उसका मिल जाएगी, हम लोग लड़ाई बंद कर देंगे। यहाँ पे वी वांट जस्टिस का नारे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उनका मांग वही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है उनका यहाँ पे पदत्याग किया जाए। देखिए, जो लड़की के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे वो अभी पुलिस के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। आपको फर्स्ट एड मिला? फर्स्ट एड का जरूरत नहीं है, एक दाबी है, अगर मारना है पूरा पूरी पूरी तरह से मार दीजिए, पूरी तरह से मार दीजिए। रेप करके मारना नहीं चाहते सर, हाथ जोड़ करके बोलिए। मैं तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगी, मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के, बंगाल जल रहा है, बंगाल जल रहा है, कुछ कीजिए सर, चुपचाप मत बैठे रहिए, ये इंटरनेशनल इशू हो चुका है, इसका कोई तो जैसे कुछ तो कीजिए, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। देखिए, इसी का जिक्र कर रहा था, लोगों में गुस्सा है जिसको परखने की यहाँ पे जरूरत था नहीं सरकार को, लेकिन जितना फोर्स लगाया गया है और जितनी यहाँ पे सख्ती बरता गया है उसके हिसाब से देखा जाए जितना लोग था वो मतलब जितना जितना आपको सिक्योरिटी देना चाहिए था उससे काफी ज्यादा लोग यहाँ पे मतलब पुलिस यहाँ पे थे और लोग उसके हिसाब से कम है। न्याय की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर से कहना चाहूंगा, देखिए रस करिए, बात करिए, रवि सुन रहे हैं आपको। देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रास्ता है अभी फिलहाल रास्ता बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन उसका हिसाब से पुलिस ज़्यादा है। इसका कारण ये है, पुलिस को लगा था कि और भी ज़्यादा लोग आएंगे, हालांकि अभी भी समय है, लेकिन यहाँ तक जो लोग पहुँचे हैं वो जितने हैं उससे ज़्यादा पुलिस है। तो अभी फिलहाल रास्ता बंद है, लोग आक्रोश में हैं, लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं और पुलिस ने अपना काम किया है। ये बहुत जायज सी बात है कि दोनों में मुठभेड़ होंगे तो यहाँ पे झड़प होगी, यहाँ पे कोई इंजर्ड होंगे, जैसे हम लोगों को भी टीयर गैस लगा था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो है पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे खड़े हैं और जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मांग यही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना पद से पदत्याग दे दें या तो ये पूरा जो मामला है उसका सुलझाओ। लेकिन ये बात भी कहना जरूरी है, अभी जहाँ फिलहाल ये CBI के हाथ में है वहाँ कोलकाता पुलिस कितना कर सकता है ये भी एक सवाल है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा सारा रास्ता, आप देखिए यहाँ पे पूरा बंद पड़े हैं और पुलिस यहाँ पे इधर पिधर खड़े हुए हैं। उधर लोग जो हैं, आपको ये भी दिखा देना चाहते हैं, ये लोग जो हैं वो आम लोग जो हैं उनको जाने में रास्ते में तकलीफ हो रहा है तो वो अपना लगेज लेके रास्ते से चल के जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पे स्थिति बना हुआ है कह तो सकते हैं थोड़ा शांतिपूर्ण है, लेकिन प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है और पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक यहाँ पे, रवि जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर स्थिति भले ही थोड़ी शांतिपूर्ण नजर आ रही है, लेकिन ये दूसरी और लाइव तस्वीरें हम एक दूसरे इलाके की देख रहे हैं जहाँ एक बार फिर से जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारी डटे हुए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये तस्वीर थी जब देखा गया कि कैसे इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का ये प्रयास कर रहे थे। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप एक और ऐसे इलाके से देख रहे हैं जहाँ पर अब एक बार फिर से प्रदर्शनकारी एकजुट नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि इस इलाके से देखिए कैसे महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर इन छात्राओं से बातचीत करते हुए इन्हें पहले यहाँ से हटने को कह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने भी यहां पर लोग और डटे हुए हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इस इलाके से उन्हें हटाने की कोशिशें एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी इन तमाम सड़क पर डटे लोगों से सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वी वॉन्ट जस्टिस के साथ साथ वो ये आक्रोश, ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि हम यहां पर किसी भी पार्टी या पक्ष से जुड़े हुए नहीं है, तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? इंसाफ की मांग के लिए सड़क पर उतरे लोगों को क्यों एक एक कर खदेड़ते हुए, सड़क पर घसीटते हुए घायल किया जा रहा है? क्योंकि इसी
प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे बल प्रयोग हुआ, लाठियों से वार किया गया। ये एक और इलाके की लाइव तस्वीर अब आपके सामने, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल, और एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल, वहीं दूसरी तरफ इस इलाके में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और देखिए कैसे कैसे हाथों में लाठी लेते हुए इनके ऊपर वार किया जा रहा है, बल प्रयोग तक किया जा रहा है। और इन सभी को इस इलाके से हटाने के लिए, इलाके को खाली कराने के लिए देखिए आमने सामने किस तरीके से पुलिस प्रदर्शनकारियों के सामने नजर आ रही है। और नतीजा यही है कि अलग अलग ऐसे इलाके जहां पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे।